ओके एवरी वन लेट एस कंटिन्यू अवर डिस्कशन हमने ऑफर कर लिया हमने क्वेश्चन भी कर लिए ऑफर से रिलेटेड अब आ जाते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ अच्छा एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है एक्सेप्टेंस मतलब हमने अपना कंसेंट दे दिया यस वी गेव आवर कंसेंट एंड एंड एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड सेक्शन टू क्लॉज बी ओके सेक्शन टू क्लॉज बी बहुत ईजी है ना याद रखना सेक्शन टू क्लॉज ए ऑफर को डिफाइन करता है सेक्शन टू क्लॉज बी एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है तो सबसे पहले ऑफर आता है और उसके पहले उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस तो ये रहा अपना ऑफर और ये है एक्सेप्टेंस ठीक है व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड हमने जिसे प्रपोजल दिया है जब वो अपना असेंट दे देता है मतलब जब वो अपना कंसेंट दे देता है देन द प्रपोजल इज सेट टू हैव बीन एक्सेप्टेड अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल प्रपोजल मतलब ऑफर

तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस या ऑफर को डिफाइन करना पड़ता है और फिर आप रूल्स लिखो ओके सो दैट इज हाउ इट इज टू बी नॉर्मली डन अच्छा एसेंशियल्स में सबसे पहले एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल देखो भाई जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर लो विदाउट मेकिंग एनी चेंज एप्सिल्यूट एंड अनकंडीशनल का मतलब होता है जैसा ऑफर दिया है पैसे का वैसे ही एक्सेप्ट accept करो ऑफर of अगर मैंने उसमें कुछ क्वालिफिकेशन वेरिएशन रिजर्वेशन डाल दी तो काउंटर तो ऑफर है ना काउंटर ऑफर अमाउंट टू एक्सेप्टेंस मैंने आपको इतना लंबा डिटेल डिटेल्ड नोट क्यों लिखवाया था यही तो रीजन है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी अर ऑफ ऑफर जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्टेंस देना है विदाउट एनी रिजर्वेशन वेरिएशन और कंडीशन कोई वेरिएशन कोई कंडीशन कोई चेंज नहीं करना है आपको जैसा ऑफर दिया वैसे ही एक्सेप्ट करो अगर आपने कुछ चेंजेस कर लिए देन दैट इज काउंटर ऑफर एंड काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इट इज अ न्यू ऑफर ऑल टू गैथप कंडिशनल ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस है ही नहीं इनफैक्ट ये तो काउंटर ऑफर है हमने जो लिखा था मैं तो फिर से लिखूंगी भाई मैं तो फिर से लिख के प्रैक्टिस करूंगी काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इट इज अफेदर ठीक है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिविन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड एक्सेप्टेंस कौन देगा जिसको ऑफर दिया है अगर वो नहीं दे सकता है तो फिर कोई ऑथराइज पर्सन देगा लेकिन जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट करेगा ना जैसे जनरल ऑफर की अगर हम बात करें तो जनरल ऑफर कैन भी एक्सेप्टेड बाई एनी वन हुज़ नॉलेज और अगर स्पेसिफिक ऑफर की बात करें देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई दैट पर्सन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अच्छा कम्युनिकेट किस को करेंगे जिसने ऑफर दिया उसी को करेंगे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है क्या मैंने आपको ऑफर दे दिया आप अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया मैंने वो ऑफर किसी और को दे दिया तो, तो लॉ बोलता है जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए ओके जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए ठीक उसी तरह एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए ठीक yeah? है तो एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो भी कम्युनिकेटेड कैसे करोगे आइदर वर्ड्स में करोगे या एक्शन में करोगे वर्ड्स में करने को हम बोलते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और अगर एक्शन में किया देन दैट इज एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस अच्छा आगे जाके ये भी आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में तो चलो अभी कर लेते हैं एक्सप्रेस कब होता है एक्सप्रेस मीन्स इट इज एक्सप्रेस इन वर्ड्स ओरल या फिर राइटिंग मैम ये तो ईजी है फिर भी आप लिखते जा रहे हो यही तो राइटिंग प्रैक्टिस है ऐसे ही तो पॉइंट्स याद होंगे वर्ड्स में या रिटर्न में आपका आ जाएगा ईमेल फैक्स लेटर ओरल में आ जाएगा टेलीफोन फेस टू फेस कम्युनिकेशन किसी ना किसी तरीके से आप सामने वाली पार्टी को अपना एक्सेप्टेंस बता दो एक्शन से भी बता सकते हैं ना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर है 9, exam, यहाँ पर न, अगर आपको में आएगा, तो एक्स तो ने तो कूली का ही नाम कूली लिख लेते कूली ने वाई का सामान उठाया और स्टेशन के बाहर चलने लगा ठीक है कुली ने वाई का सामान उठा के वो स्टेशन के बाहर चलने लगा वाई ने भी उसको नहीं रोका अब देखो कूली ने आपका सामान उठाया दैट इज एम्प्लाइड ऑफर कि भाई मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूं आपने भी उसको नहीं रोका एक्सेप्टेंस बन जाता है ये एक एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है बन जाता है ये एक एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने ऑफर दिया वो एक्सेप्ट हो गया बन गया एक फैक्ट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ दिन फर मतलब हम समझ लेते हैं वो अच्छा कूली वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया अब हमने तो और भी एग्जाम्पल्स किए थे ना जैसे ऑटो बस टैक्सी ये जो फिक्स्ड रूट पे चल रहा है फिक्स्ड रूट पे चल रहा है मतलब ये इम्प्लाइड ऑफर है हम बैठ जाते हैं हम, तुम्हारी यूज़ कर रहे, हम पे करेंगे उसके लिए, uh, तो एक्सेप्टेंस एम्प्लाइड हो सकती है एक्सप्रेस हो सकती है अच्छा किसको देनी है ऑफर हर कोई बताएंगे ना हम कौन देगा ऑफर ही या तो खुद एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर ले या फिर कोई ऑथराइज पर्सन कम्युनिकेट करे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस तो वो पर्सन ही करेगा सिर्फ कम्युनिकेट आप मेरे को एक्सेप्ट करना है उसको बता दे चल अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है पॉविल वर्सेज ली जिसके फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि वो फैक्ट्स आपको आंसर में लिखने चाहिए वो लिखने चाहिए फैक्ट्स अच्छा पॉविल वर्सेज ली में क्या हुआ था मिस्टर पाविल हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ हैड मास्टर ली वॉज वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स तो ठीक है वो कमेटी थी मिस्टर पॉवेल अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ हेडमास्टर कमेटी ने आपस में डिस्कस किया कि हाँ इसको हेडमास्टर अपॉइंट कर देंगे मिस्टर ली वन ऑफ द मेंबर्स विदाउट एनी अथॉरिटी ठीक है उनके पास ये सब कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी नहीं थी मिस्टर ली विदाउट एनी अथॉरिटी ओके टोल्ड पॉवेल अरे तू ही अपॉइंट हो गया यार वो हो गई है बात हमारी मिस्टर पॉवेल ने देख पक्का ना फिर मैं कहीं और अप्लाई नहीं करूँ हाँ सब बात कर रहे थे पक्का है तू ही अपॉइंट होगा लेकिन कमिटी ने किसी और को अपॉइंट किया, मिस्टर पावेल को गुस्सा आ गया उन्होंने बोला अरे लेकिन ली तूने तो बोला था कि मैं ही अपॉइंट होगा मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया था वहां पे मेरे को सैलरी का लॉस हो गया तू वो भर के दे चल भर के दे अभी मुझे क्या पावल so को कुछ मिलेगा यह तो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं था क्या ली को हमने अथॉरिटी दी थी नहीं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द प्रोमिस ऑफरी और एनी अदर तो ऑथोराइज था ही नहीं और ना कमेटी ने बताया जब मिस्टर पॉवेल तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं तो फिर तुम कैसे कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं यहां पर मानते हैं आपने ऑफर दिया था लेकिन वो एक्सेप्ट तो हुआ ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो उठता नहीं मिलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा के साइलेंस नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड मेंटल एक्सेप्टेंस अनकम्युनिकेटेड इज नॉट एक्सेप्ट इधर एक मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में कौन से एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा देखो सुनो मेरी बात मिस्टर एक्स है ना उन्होंने सीमेंट बैग्स का एक कोटेशन दिया था सीमेंट बैग्स का ऑफर दिया था चलो ऑफर लेते कोटेशन ही लेते फिर बोलो आप इनविटेशन टू ऑफर है ठीक है मैनेजर ऑफ कंपनी इतना बढ़िया ऑफर था इतने अच्छे प्राइस पे वो दे रहा था ओके okay, इतना बढ़िया ऑफर था वो कि मिस्टर मैनेजर ने इमिजिएटली एक लेटर लिखा ऑफ एक्सेप्टेंस ठीक है उन्होंने लिखा एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओके मिस्टर एक्स है उन्होंने सीमेंट बैग्स का ऑफर दिया टू मैनेजर मैनेजर को इतना पसंद आया कि उन्होंने लेकिन वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करना भूल गए अपने ड्रॉवर में ही छोड़ दिया ठीक है अपने टेबल ड्रॉवर में ही उन्होंने छोड़ दिया तो बाद में वो लेट से एक हफ्ते के बाद है ना एक हफ्ते के बाद वो मिस्टर एक्स को कॉल करके बोलते हैं अरे एक्स तूने सीमेंट बैग्स भेजे नहीं एक्स बोलते सर आपने कंफर्म किधर किया अरे यार मैंने वो लेटर तो लिखा था बस पोस्ट करना रह गया तू भेज देता ना लेकिन फिर भी इतना अच्छा अच्छा ऑफर थोड़ो नहीं मैं तेरा रिजेक्ट करता था अरे सर आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया तो मैं कैसे सीमेंट बैग्स दूँ आपने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया मुझे तो मैं कैसे भेजू ना सीमेंट बैग्स इन दिस केस लॉ क्या बोलता है कि जब आप एक्सेप्टेंस लिखते हो उसको कम्युनिकेट करना भी तो इंपॉर्टेंट है ना तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है <laughs> तो यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड स्पेसिफाइड वो याद है मैंने आपको इतना लंबा वो लिखवाया था चार्ट किधर गया वो कि हमने तो ऑफर दिया था फिर उसको बोला कुरियर से ही तू करना लेकिन वो रेगुलर पोस्ट भेज देता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है सेम सेम पॉइंट से यहां के टाइम अगर टाइम स्पेसिफाई किया है देन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी विदइन दैट टाइम ओनली अगर टाइम स्पेसिफाई किया है तो एक्सेप्टेंस वही टाइम पे होना चाहिए टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो रीजनेबल टाइम व्हाट इज अ रीजनेबल वो नहीं पता वो दिया ही आई नहीं फैक्ट्स फैक्ट्स पे डिपेंड करता है facts. Facts करते हैं। uh, ये करने से पहले ना स्टूडेंट्स एक uh, मैं आपके साथ केस लॉ डिस्कस करना चाहती हूँ हारवी वर्सेस फेसी ये मेरा रह गया था शायद डिस्कस करना एफ ए सी आई ई भी कभी कभार यूज करते हैं एफ ए सी ई वाई भी यूज़ करते हैं नाउ ऑल दो ये आपको पता होगा एक बार रिवाइज तो करा लूँ मिस्टर हारवी उन्होंने फेसी को एक लेटर लिखा हारवी ने फेसी को लेटर लिखा आस्किंग टू क्वेश्चन लेटर या टेलीग्राफ टेलीग्राम बोल दो asking two questions will you sell us the bumper hall pen telegraph lowest cash price क्या आप मुझे बम्पर हॉल पेन जो जगह है वो बेचोगे लोएस्ट प्राइस बताओ तो फेसी ने रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड्स खरीद लेंगे चल डन डील हम नहीं बेचेंगे अरे मैंने माना ना तुमने जो बोला नहीं देंगे तो इसने केस कर दिया कि भाई मैं तो तैयार हूं लेकिन ये लोग ही नहीं बेच रहे खुद ही बोलते नौ सौ में तैयार हूँ वो देने के लिए क्या ये ऑफर है नहीं वर ओनली आंसरिंग क्वेश्चंस आस्क्ड ये ऑफर नहीं है ऑफर नहीं सो इन दिस केस यू कैन से वो तो सिर्फ आंसर कर रहे थे वो तो लाइक like इन्वाइट कर रहे थे कि हाँ भाई नौ सौ में बेचते हैं तुमको खरीदना है इट्स लाइक इनवाइटिंग वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा सो दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर यो ऑफर थोड़ी ना है yes? तो सिर्फ प्राइस बताना इनविटेशन टू ऑफर होता है प्राइस बताना इन्विटेशन टू ऑफर होता है जैसे आप मॉल में चले गए मॉल में सब चीज़ें रखी हुई हैं प्राइस बता के वो इन्वाइट कर रहे है, तुमको ख़रीदने आ जाओ तो इन दिस केस ये जो प्राइस बताया वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था अभी आप ऑफर दो या आप उसमें ख़रीदोगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमको आपको, आपको बेचना है कि नहीं बेचना तो ये सिर्फ रिप्लाई कर रहे अब पहले मुझे लिखने दो फिर बाद में आप लिख लेना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगी वो फॉलो कर लोगे ना यू विल नेवर गो रॉन्ग

लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ उसको लेटर तो मिल गया था सात तारीख को लेकिन उसने रीड किया ऑन एट्थ तो फिर कब कम्युनिकेशन होगा एट्थ को तो कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी नॉलेज मतलब उसको ऑफर के बारे में पता चलेगा तब हम बोलेंगे कि वो कम्युनिकेट हो गया अच्छा अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन ऑफ Acceptance Communication of acceptance is complete on Acha for the offerer. As against the offerer. X as against. the ऑफरी by अब एक्सेप्टेंस की डेट देखो ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना एर्थ को ठीक है जब वाई ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया जैसे ही पोस्ट किया एक्स तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया तू रुक तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया तू रुक तेरे को लेटर मिलेगा लेकिन इसका मतलब है तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया अब तू वो ऑफर किसी और को मत देना तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो चुके रुक लेटर आएगा ऑफर किसी और को मत देना वो एक्सेप्ट हो चुका है वाई के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा ऑन टेंथ दैट इज व्हेन इट रीचेस एक्स तो वाई के लिए कंप्लीट होगा ऑन द रिवोकेशन की बात कर लेते हैं रिवोकेशन ठीक है हमने एक्सेप्टेंस दे तो दिया प्रशन ऑफ ऑफर एक्सेप्ट बिफोर कौन से डेट से पहले कर सकते अब हमने ऑफर तो दिया लेकिन फिर अरे या, यार नहीं देना चाहिए था मुझे ऑफर मुझे मैंने को घर नहीं बेचा मैंने मेरे माइंड चेंज कर लिया देखो Why, अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले पहले मतलब तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले तुम अपना ऑफर वापस ले सकते क्योंकि एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया एक बार तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया फिर कुछ नहीं कर पाओगे सो इन दिस केस वी कैन रिवोक द ऑफर एनी टाइम बिफोर एट्थ मतलब एनी टाइम बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर एक्स वाई कौन से डेट से पहले, पहले पहले रिवोक कर सकता है देखो वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है ऑन द टेंथ तो वो टेंथ के पहले पहले कभी भी रिवोकेशन कर सकता है वो कभी भी रिवोकेशन कर सकता है तो डेट्स अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए सिर्फ एक फ़र्क है जो आपको याद रखना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो लेटर्स के लिए है दोनों के लिए अलग डेट्स होंगी एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एट्थ को बनेगा वाई के लिए टेंथ को बनेगा बट इफ़ द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस वाया ई मेल फैक्स टेलीफोन जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो दोनों के लिए एक ही दिन पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज वेन द मैसेज इज हर्ड बाय एक्स ठीक है तो जैसे ही एक्स को ई मेल मिल गया मैसेज उसने ई मेल देख लिया या उसने कॉल में सुन लिया हाँ मैं खरीदूंगा तो दोनों के लिए एक ही डेट पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वेन ही एक्चुअली रिसीव द ई मेल वेन द पार्टी लिसंस टू द मैसेज तो दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वही तभी बनेगा बस ये इतना एग्जाम में आता नहीं है आपके लिए ये एक बार एग्जाम में आया था कि वाई को लेटर तो मिला सेवेंथ को लेकिन उसने पढ़ा एथ को तो कम्युनिकेशन कम्प्लीट हुआ ऑन द एथ अच्छा अब एक और क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था ठीक है हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था फिर हमको लगा नहीं 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 एक्सेप्ट नहीं करना है तो हमको रिवोकेशन भी भेजना था हमने रिवोकेशन भी भेज दिया अब मज़े की बात ये हुई कि वाई ने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच किया हुआ है और वाई ने फिर रिवोकेशन भी डिस्पैच किया ठीक है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन दोनों डिस्पैच कर दिए मजे की बात यह है कि एक्स को दोनों पहले मिले तो दोनों एक साथ मिले ठीक है एक्स को दोनों एक साथ मिले लॉ बोलता है विच एवर इज ओपन फर्स्ट अगर एक्स ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन कर लिया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा अगर रिवोकेशन ओपन किया तो रिवोकेशन हो गया लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग कोई भी पर्सन रिवोकेशन ही पहले ओपन करेगा बिकॉज रिवोकेशन इज ऑलवेज सेंट बाय अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने अगर मेन कम्युनिकेशन लेटर से किया है तो आप नहीं चाहोगे आप नहीं चाहोगे कि रिवोकेशन भी लेटर से हो आप तो चाहोगे ना कि रिवोकेशन फास्ट पहुंच जाए तो अगर दोनों साथ में मिलते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन साथ में मिलता है एवर लेटर इज ओपन ओपन फर्स्ट अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर रिवोकेशन ओपन किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो दो तीन पॉइंट्स आपको यहां पर लिखने हैं अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन सेम टाइम पे मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना दैट डिपेंड्स ऑन विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट विच एवर लेटर इज ओपन अच्छा रिवोकेशन ये नोट लिख दो एज अ नोट लिख दो आप ये ठीक है एज अ नोट लिख दो एज अ नोट लिखेंगे रिवोकेशन मस्ट बी बाय अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है एवोकेशन मस्ट बी बाय फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये लिखा आपने समझ में आया और इसी के साथ हमारा जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है अब टाइम आ गया है कि आप एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आपको आ रहा है ना और आगे बढ़ेंगे अच्छे से करेंगे फटाफट अब एक बार एक्सेप्टेंस रिवाइज करो ऑफर भी साथ में रिवाइज कर लो क्वेश्चंस कर लो और अगले वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं